बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर और बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है ये दोनों वेट ग्राइंडर ग्राइंडिंग बहुत अच्छे से करते हैं और इन दोनों वेट ग्राइंडर का प्राइस भी बहुत कम है बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर हमें सिर्फ थर्टी एट हंड्रेड रुपीज में मिल रहा है वहीं पर बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर हमें फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज में मिल रहा है और इस प्राइस में मिलने वाले दूसरे वेट ग्राइंडर के कम्पेरिजन में ये दोनों वेट ग्राइंडर बेटर ऑप्शन है लेकिन कंफ्यूजन यह है कि इन दोनों वेट ग्राइंडर में कौन सा वेट ग्राइंडर करें। आज मैं बटरफ्लाई करूंगा ताकि अच्छा है सबसे पहले बात साइज की करते हैं बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर थोड़ा सा बड़ा है जबकि बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर थोड़ा सा छोटा है बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर है 34 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर जबकि बटरफ्लाई वेट ग्राइंडर की लेंथ है 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 47 सेंटीमीटर 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 31 cm, और है 31 और हाइट इसलिए अगर आप एक वेट ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर ज्यादा बेटर ऑप्शन है और अगर आप एक बड़ा वेट ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं तो बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर मैं ग्राइंडिंग स्टोन की क्वालिटी की बात करूं तो इन दोनों

150 फ की पावरफुल मोटर दी गई है और इस मोटर के अंदर हमें 100% कॉपर वाइंडिंग मिलती है। ये दोनों वेट ग्राइंडर इक्वल है और अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूँ तो इन दोनों वेट ग्राइंडर में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है ओवरलोड प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट द ग्राइंडर फ्रॉम इंसिडेंट्स ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड

वेट ग्राइंडर आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप ऑटोनीटर परचेज नहीं करना चाहते तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर बेस्ट ऑप्शन है ये सब बातें इस वेट को बेस्ट सेलिंग वेट ग्राइंडर बनाती है और लगभग एक साल से ये वेट ग्राइंडर बेस्ट सेलिंग वेट ग्राइंडर की लिस्ट में नंबर वन

वेट ग्राइंडर में प्रोड्यूस होने वाले नाइस को थोड़ा सा कम किया जा सके लेकिन ये वेट ग्राइंडर अपने प्राइस रेंज में मिलने वाले दूसरे वेट ग्राइंडर के बराबर नाइस प्रोड्यूस करते हैं सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन दोनों वेट ग्राइंडर का साइज सिर्फ टू लीटर है इसलिए सिर्फ स्मॉल और मीडियम साइज फैमिली के लिए ये यूजफुल है अगर आपके घर में फाइव सिक्स फैमिली मेंबर्स हैं, तो इन दोनों में से कोई भी वेट ग्राइंडर आप यूज कर सकते हो लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको बड़े साइज का वेट ग्राइंडर लेना चाहिए लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो इन दोनों वेट ग्राइंडर में बहुत से पॉजिटिव पॉइंट है नंबर वन ये दोनों वेट ग्राइंडर काफी अफोर्डेबल है और इनकी बिल्ड क्वालिटी इनके प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है नंबर टू इन दोनों वेट ग्राइंडर में हमें जो ग्राइंडिंग स्टोन दिए गए हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और नंबर थ्री बटरफ्लाई की ऑफ्टर सर्विस भी काफी अच्छी है अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि किन लोगों को बटरफ्लाई वेट ग्राइंडर की तरफ जाना चाहिए और किन लोगों को बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर करना चाहिए अगर आपको एक कम्पैक्ट चाहिए जिसे आप अपने किचन में आसानी से स्टोर कर सके और जिसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा हो ताकि बैटर जल्दी प्रिपेयर हो सके और आपका वेट ग्राइंडर थोड़ा सा लाइट वेट भी हो ताकि उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने में आसानी हो और ये सब कुछ आपको

डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो वेट ग्राइंडर आपके लिए ज्यादा यूजफुल है उसे परचेस कर लीजिए अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें थैंक यू